खाने पीने के लिए पानी नहीं मिलता है तो खेती कहाँ पटाएंगे। कोरिया DAP देते हैं, ओरिया DAP हम लोग का फसल बहुत हम लोग को नुकसान हो जा रहा है, मिट्टी पूरा कड़ा हो गया है। बाजार में हम लोग का सही मार्केटिंग नहीं मिलता है, दाम नहीं मिलता है, बिचौलिया में ठग भी लेता है महाजन सब। झारखंड के ग्रामीण इलाकों की करीब 60% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते अन्नदाता आमतौर पर हालात से लड़ता ही नजर आता है। सिंचाई की समस्या, खाद बीज की समस्या, इनसे उबर भी जाएं तो उपज के लिए सही बाजार और सही खरीददार की समस्या। किसान या तो इसी बेबसी में उम्र गुजार देता है या फिर खेती छोड़कर मजदूरी की राह पकड़ लेता है। पानी ये नहीं मिलेगा तो खेती कहाँ से होगा, तुम्हारा नहीं मरना है। हर साल एक फसल के बाद सूखे और वीरान रहने वाले खेतों की रंगत अब बदलने लगी है। जिंदगी में पहली बार मुनकी देवी ने साल में दूसरी फसल लगाई है। पूरा परिवार दिन भर इन खेतों में ही जुटा रहता है। सबको लगता है कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता इन खेतों से ही निकलेगा। इनकी उम्मीदें जगाई हैं माइक्रो ड्रिप यानी सूक्ष्म टपक सिंचाई की तकनीक ने। इसकी बदौलत ही ये कम पानी में भी दूसरी फसल लगा पाई। बहुत पहले दिक्कत हो रही थी, मड़ुआ घाटा खा रहे थे तो जिन्हार का मकई का घाटा खा रहे थे। अब तो ऐसा नहीं खाते हैं, अब तो बढ़िया से खा रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो। माइक्रो ड्रिप की ये तकनीक मुनकी देवी को झारखंड सरकार और JSLPS की मदद से मिली है। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन JHIMDI योजना के तहत सरकार ड्रिप के जरिए सब्जी उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने में जुटी है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA की मदद से शुरू हुई इस योजना का मकसद महिला किसानों को वो संसाधन मुहैया कराना है जिससे न सिर्फ पूरे साल पैदावार हो सके बल्कि किसान अगेती खेती से अपनी आमदनी भी बढ़ा सके। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे किसान जो अभी तक केवल वर्षा आधारित खेती करते हैं वो किस तरह से अधिक फसल ले पाएँ और पानी का पूरा सदुपयोग करते हुए उसमें अपने इनकम को बढ़ा सके। और ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम हो रहा है, इसमें केवल ड्रिप इरिगेशन का यूनिट ही नहीं स्थापित किया जाएगा, वो जो भी किसान बेनिफिशियरी हमारे रहेंगे लाभुक उनके साथ क्रॉप प्लानिंग पूरा की जाएगी और फिर किस तरह से उनके जो प्रोड्यूस है उसको सही मार्केट तक पहुंचाया जाए। माइक्रो ड्रिप पानी की कमी से जूझते किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। आजीविका मिशन के तहत इसे पहले से ही आजमाया जा रहा है और काफी कम समय में इसने कई किसानों की जिंदगी बदल दी है। और मांझी के संजय महतो और संगीता भी उनमें से एक है। एक दौर था जब राज्य के तमाम छोटे किसानों की तरह ये भी दो वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, लेकिन माइक्रो ड्रिप लगाने के बाद इनके खेतों ने सोना उगलना शुरू कर दिया। आज ये साल में 3 फसल उगाकर लाखों कमाते हैं। छोटे पैमाने में स्टार्ट किए थे, देखना चाह रहे थे कि इसमें मतलब क्या है, इसका आमदनी कैसे है, प्रोडक्शन क्या है। फिर हमने देखा कि जब से हमने ड्रिप लगाया प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और प्रोडक्शन के बाद क्या होता है ना कि मार्केट में इसका वैल्यू भी थोड़ा अच्छा मिलने लगा। फिर उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता चला गया और अभी हम 10 एकड़ तक में खेती हम कर रहे हैं। जॉब करते थे तो उतना में ज़्यादा कर नहीं पाते थे, दिन भर घर से बाहर रहते थे, फिर उतना में सबका पालन पोषण नहीं हो पाता था। खेती में आए तो खेती में प्रॉफिट होने लगा, टपक सिंचाई से इरिगेशन से किए तो प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा तो छोड़ दिए, फिर इसी में लग गए।
सिंचाई से समृद्धि की ये इकलौती कहानी नहीं है। दरअसल टपक सिंचाई की तकनीक ही कुछ ऐसी है कि ये न सिर्फ किसानों का खर्च घटाती है बल्कि बेहतर पैदावार के जरिए उनकी आमदनी भी बढ़ाती है। इसकी मदद से पूरे साल खेती की जा सकती है क्योंकि किसान कम पानी में अधिक जमीन पर खेती कर सकता है। इसमें पानी और खाद की बचत होती है, जमीन के कटाव में कमी आती है, पैदावार और उपज की गुणवत्ता बढ़ती है, खरपतवार से बचाव यानी मेहनत और वक्त की बचत होती है। इसके अलावा सिंचाई में खर्च होने वाले ईंधन या बिजली की बचत भी होती है। पहले तो किसान लोग समय के अनुसार जैसे बरसाते में खेती करने सकता था और अभी खरीफ में करता था जाड़े में। अब गर्मी होता था तो किसान पहले नहीं लगाता था, छोड़ देता था, इसी तरह रहता था। लेकिन ड्रिप लग गया है तो अब गर्मी में भी लगेगा, जैसे लत्तर का भी होगा, खीरा कद्दू ये सब लगाएगा। नई योजना की सबसे बड़ी खासियत है खेती को लेकर उसकी समेकित सोच। सिंचाई के साथ साथ इसमें खाद और बीज पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। ड्रिप के साथ किसानों को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद उत्पादन इकाई और पॉली नर्सरी भी मुहैया कराई जा रही है। इससे किसान घर में ही बढ़िया किस्म की खाद बना रहा है और पॉली नर्सरी में बेहतरीन किस्म के बिचड़े उगा रहा है। इससे पैदावार तो ज्यादा होती ही है, फसलों की गुणवत्ता भी काफी बेहतर रहती है। वर्मी कंपोस्ट में हम लोग का यहाँ खाद बनता है, केचुआ खाद, वहाँ से दवा का भी हम लोग का फायदा होता है। और ये नर्सरी होता है कि हम लोग नर्सरी करते हैं तो एक साथ बीजा इसमें करते हैं तो एक साथ बीजा जन्मसन होगा, और जमीन में करते हैं तो कोई मर जाता है, कोई नहीं जन्माता, कौन छोटा बड़ा रहता है। किसानों की एक समस्या बाजार की भी है। बड़ी मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण उन्हें अपनी उपज काफी कम कीमत पर बिचौलियों के हाथ बेच देनी पड़ती है। नई योजना ने उसका भी तोड़ ढूंढ निकाला है। गांव-गांव में किसानों के उत्पादक समूह बनाए जा रहे हैं। इन समूहों को बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि वे खुद अपनी फसल वाजिब दाम पर बेच सकें। इसके अलावा उन्हें अच्छी खेती के गुर भी सिखाए जाते हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप ऐसे लोगों को मिलाकर बनता है जो खेती बाड़ी ज़्यादा स्तर पे करते हैं, ज़्यादा लोग करते हैं, और उसमें ऐसे लोग जो ड्रिप इरीगेशन लगाए हैं या तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन उनको बेचने का साधन नहीं मिल पा रहा, खरीद बिक्री की बात हो, उनको अच्छा क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता है, तो वैसे वैसे किसानों को जोड़कर कुछ अच्छा चीज़ उनको जानकारी दे ताकि उसको सीख कर वो कर सके। जैसे अभी हम लोग तरबूज का ही बात करते हैं तो कौन सा बीज लगाना है उन लोग को एक आइडिया नहीं मिल पाता है, तो हम लोग ऐसा पीजी बनाकर कुछ मीटिंग रखकर नए नए तकनीकों को समझाकर उन लोगों को अच्छे तरीका से खेती करने पर और प्रमोट करते हैं। किसानों की सभी मुश्किलों का जवाब बनकर आई ये योजना फिलहाल राज्य के 9 जिलों के 30 प्रखंडों में लागू की जा रही है। इसका लक्ष्य अगले 6 साल में कम से कम 30,000 किसानों की आय को दुगनी कर उन्हें हमेशा के लिए गरीबी के चंगुल से बाहर निकाल देना है। इसके लाभुकों में वही महिलाएं होंगी जो सखी मंडलों से जुड़ी हुई हैं। उपकरणों के लिए समूह के जरिए सस्ते ऋण के साथ साथ उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। समय पे या समय से पहले अगर हमें खेती को आगे बढ़ाना है तो सारे व्यवस्था हमारे हाथ में होना आवश्यक है। हम खाद के लिए, हम बीज के लिए, हम दवा के लिए बाहर के संसाधन पे नहीं निर्भर हो सकते हैं, इसलिए इसमें एक समेकित व्यवस्था है कि खाद आपके पास है, बिचड़ा आपके पास में है, और जो खाद देने के लिए और पानी देने का जो मशीनरी है वो आपके पास में है। इससे आप समय का बेहतर प्रबंधन करते हैं और इसके कारण आप समय के पहले बाजार में उतरते हैं। ये मिशन खेती की तस्वीर ही नहीं किसानों की तकदीर बदलने का भी है। ड्रिप के जरिए पूरे साल सब्जियों की खेती को संभव और किसानों को समृद्ध बनाने की पटकथा लिखी जा रही है। सारे संसाधन किसानों के हाथ में सौंपकर उन्हें
इस लायक बनाना है कि वे अपनी किस्मत खुद लिख सकें। गरीब किसानों के घर स्वराज लाने का सारा दारोमदार अब इन बूंदों पर है। पौधों को सींचने के अलावा इन्हें किसानों की जड़ों को भी मजबूत बनाना है, ताकि उन्हें खेतों को छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर ना होना पड़े।